हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीताराम गाडरी और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के अंदर दो राज्यों के अंदर, गुजरात और राजस्थान के अंदर, मतलब लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी चल रही है गायों के अंदर। तो दोस्तों, उसको अब मतलब ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय हैं घरेलू, और किस तरह से उनके गांवों को ठीक किया जा सकता है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, गौ माता के शरीर पर सबसे पहले मतलब छोटे छोटे फुंसियाँ होती हैं, और वो मतलब बड़े बड़े फफोलों के रूप में बदल जाती है। फफोले होने के बाद दोस्तों क्या होता है, वो धीरे धीरे से मतलब उसमें पानी बनने लगता है और फूट जाते हैं, तो उससे पानी निकलता है। तो दोस्तों, हमारे सामने अब ये समस्या खड़ी होती है कि उनको अब ठीक कैसे करें, क्योंकि दोस्तों जब उनसे पानी निकलता है तो उनमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर उसमें कीड़े लग गए तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारी गौ माता की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसी से अब अपनी गौ माता को बचाने के लिए क्या हम घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से समझना। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो दोस्तों आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो आप अपनी गौ माता को मतलब अच्छी तरीके से ठीक कर सकोगे। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है, और इससे मतलब कहीं गायें ठीक भी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दोस्तों के जो पान के पत्ते होते हैं, जो कि अपने खाने का पान होता है, तो पूरा पान नहीं लेना है, उसके केवल आपको पत्ते पत्ते लेने हैं। उसमें आप 20 पत्ते ले लेने हैं आपको। 20 पत्ते लेने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसमें आपको 30 ग्राम हल्दी लेनी है, जो कि अपने घरों में काम लेते हैं, वो हल्दी आपको इसमें ले लेनी है। और दोस्तों, पत्तों को अच्छी तरीके से मिक्सी के अंदर या हम किसी पत्थर वत्थर से इनको पीस के बिल्कुल अपने को उनका लेप बना लेना है। तो दोस्तों, उसके अंदर हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिलाने के बाद क्या करना है दोस्तों, उसके अंदर अपने को सरसों का तेल मिलाना है, जितना उसमें ज़रूरत हो उतना ही अपने को उसमें सरसों का तेल ले लेना है। और दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, अगर अपने पशु के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं तो आप उसमें मतलब एक या दो कपूर की गोलियाँ भी शामिल कर सकते हो। कपूर की गोलियों को अच्छी तरीके से कूट के उनका भी अपने को लेप बना के उसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन चारों चीज़ों को मिक्स करके आप गौ माता के जहाँ पर भी घाव हो रहे हैं, उन गांवों को सबसे पहले आप क्या करना है दोस्तों, फिटकरी और नीम के पानी से उनको धोना है। अगर घाव ज़्यादा गहरे हैं या ज़्यादा कुछ दर्द वाले घाव होते हैं तो उनके ऊपर आप अगर फिटकरी का प्रयोग नहीं करो तो मतलब आप नीम के पानी से भी धो सकते हो। नीम के पानी से अच्छी तरीके से धोने के बाद आपको दोस्तों इस लेप को उस घाव के अंदर भर देना है, जहाँ पर भी ज़्यादा घाव हो रहे हैं वहाँ पर इस लेप को लगा देना है। तो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मतलब ये प्रयोग आपके जल्दी से जल्दी गाय को 2 से 5 दिन में ठीक कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो दोस्तों बाज़ार से एक पीपी नामक लाल दवाई भी मिलती है, पोटेशियम परमैंगनेट उसका नाम है। तो दोस्तों, आप वो भी ला सकते हो और उसको हल्की मात्रा में लेके उसकी गाय के पूरे शरीर पर उसको लगा के छिड़काव कर सकते हो स्प्रे से। और दोस्तों, उससे धोने के बाद अपने को बहुत सारी स्प्रे भी मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर, स्प्रे जेल कुछ इस तरह की आप लाकर गौ माता के लगा सकते हो। लेकिन गौ माता को अपने को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अभी गौ माता को इस बीमारी में हमारी ज़रूरत है, और दोस्तों अब मैं गौ माता को ठीक करना है। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी मतलब ये प्रयोग करें और गौ माता के गांवों को जल्दी से जल्दी ठीक करें, क्योंकि बहुत ही दर्द में हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरा एक और भी मेरे फ्रेंड का चैनल है, जो भी आप उसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वो भी मतलब इस घरेलू उपाय से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके उनके वीडियो पर भी जा सकते हो। उनके मतलब चैनल का नाम है डॉक्टर राहुल गाडरी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।